हेलो दोस्तों, आज हम समझेंगे अवतार द वे ऑफ वाटर फिल्म के इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट के बारे में। तो ये जो फिल्म है दोस्तों, ये अवतार की पार्ट टू है। और अवतार के पहले फिल्म में ये बताया गया था कि एक ग्रह के लोग दूसरे ग्रह पेंडोरा पे जाते हैं और वहाँ पर माइनिंग की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों ग्रहों के लोगों के बीच में लड़ाई होती है। और फिर उसके बाद लड़ाई के अंत में पेंडोरा वाले लोग जीत जाते हैं और वो फिल्म ख़त्म हो जाती है। लेकिन वो जीत टेम्प्रोरी होती है, क्योंकि दूसरे ग्रह के लोग फिर से वापस आकाशवासी जो होते हैं वो वापस जाते हैं। और यही इस फिल्म की कहानी है। तो इसमें जब दूसरे ग्रह के लोग वापस जाते हैं, तो वहाँ पे जो पेंडोरा में जंगलों में रह रहे लोग होते हैं, वो वहाँ से जो उनका मुखिया होता है वो भाग करके समुद्र के किनारे आ जाता है, ताकि वो लड़ाई से बच सके। लेकिन जो आकाशवासी होते हैं वो मानते नहीं हैं और उसका पीछा वहाँ तक करते हैं समुद्र के किनारे, और वहाँ पे ही लड़ाई होती है इस बार। और यही इस पूरे फिल्म का प्लॉट है। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि इन दोनों फिल्मों का एनवायरमेंटल एस्पेक्ट क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है। क्योंकि एक कहानी जो होती है वो पर्दे पर दिखाई जाती है, और एक फिल्म की कहानी वो होती है जो उसके पीछे की असली कहानी होती है। तो इन दोनों फिल्मों की असली कहानी दोस्तों ये है कि जो पहली फिल्म है वो कहानी है 16वीं 17वीं 18वीं 19वीं सदी की, जिस समय कि यूरोप के देशों ने दुनिया भर में राज करना शुरू किया, दुनिया भर में अपने उपनिवेश बनाए। और इसकी शुरुआत हुई अमेरिका से, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के देशों में। फिर बाद में एशिया और अफ्रीका के देशों पर भी, हमारे देश पर भी यूरोपीय लोगों का कब्जा रहा। और उस समय इस दुनिया में इन्वायरमेंटलिज्म की हिस्ट्री शुरू हुई, ग्लोबल हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म जो है वो शुरू हुई। क्योंकि उस लेवल का एक्सप्लॉयटेशन, उस स्तर का जो पर्यावरण प्रदूषण था और पर्यावरण का जो एक्सप्लॉयटेशन था, वो पहले कभी भी नहीं हुआ था। और वो इसलिए किया जा रहा था ताकि यूरोप के देशों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके और उनके इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। तो पूरे दुनिया के रिसोर्स का इंटेंसिफाई तरीके से एक्सप्लॉयटेशन किया गया पूरे 200-300 सालों तक। और उससे यूरोप के बड़े बड़े शहरों का निर्माण किया गया और उससे पूरे यूरोप का डेवलपमेंट किया गया। तो ये कहानी दरअसल वही बताती है पहले पार्ट में कि कैसे दूसरी जगह पे लोग जाते हैं। और इस कहानी को भारत में भी जोड़ा गया था कि उड़ीसा में नियामगिरी करके एक पर्वत है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो कि माइनिंग की थी, उसने आदिवासियों को उजाड़ दिया था और वहाँ पे वो माइनिंग करना चाहती थी, लेकिन अंत में आदिवासियों की जीत हुई। और वो बताते हैं उसमें कि कैसे वो आदिवासी जो है उस पर्वत से जुड़े हुए थे। तो ये फर्स्ट पार्ट की कहानी थी। अब दूसरे पार्ट में जो है, पहली पार्ट की कहानी कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन पे बेस्ड थी, यानी कि जो उस समय के जो उपनिवेशिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ था उस पे बेस्ड थी। और आज की जो कहानी है वो करेंट एक्सप्लॉयटेशन पे बेस्ड है, क्योंकि आज जो है वो कॉलोनीज का टाइम नहीं रह गया है, आज दूसरे तरीके की चीज़ें हो रही हैं। और क्रोनी कैपिटलिज्म जैसी चीज़ें दुनिया में आई हैं, जिसकी वजह से कि पूरी दुनिया में इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन तेज़ी से बढ़ा है। और जिन जिन लोगों का अपने रिसोर्सेज पे सबसे पहला हक है, उनका हक छीन करके दुनिया के अमीर लोगों के पास वो हक दिए जा रहे हैं। तो यही वो कहानी है। और इसमें दिखाया गया है कि कैसे जो है एक्वेटिक लाइफ है जो, उसको कैसे एक्सप्लॉयट किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें बाई फिशिंग के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। बाई फिशिंग वो तरीका होता है जिसमें कि जो समुद्र में मछलियाँ मारते समय एक्स्ट्रा मछलियाँ मारी जाती हैं, जिनका कोई उपयोग नहीं होता है, और जिन्हें वापस समुद्र में कचरे की तरफ फेंक दिया जाता है। तो वो समस्या भी इसमें बखूबी दिखाई गई है। इसमें बड़ी सी मछली एक मारी जाती है और उसे थोड़ा सा उसका एक छोटा सा हिस्सा निकाल करके बाकी हिस्से समुद्र में कचरे की तरफ फेंक दिया जाता है। तो इसमें बताया गया है कैसे तटीय लोगों का जो जीवन है वो कैसे एक्सप्लॉयट हुआ है ओवर फिशिंग की वजह से, और कैसे एक्वेटिक लाइफ पूरी बर्बाद हो रही है जो कैपिटलिज्म है और कंज्यूमरिज्म है उसकी कल्चर की वजह से। तो ये जो दूसरी फिल्म है ये ग्लोबलाइजेशन के इल इफ़ेक्ट्स, यानी कि इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करती है, बहुत गहरे अर्थों में बात करती है। और ये बताती है कि कैसे रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन पूरी दुनिया में हो रहा है सिर्फ चंद प्रतिशत लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। और प्रॉफिट मेकिंग एक कितना डेंजरस काम है, बहुत अगर ज़रूरत से ज़्यादा वो हो जाए, ग्रीड जो है लालच, वो कितना ख़तरनाक चीज़ है, उसके बारे में ये फिल्म बात करती है। तो ये जो पहली और दूसरी फिल्म है दोस्तों, वो कैसे उनका जो एक इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट है वो हमने बताया कि पहली फिल्म का जो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट है वो कॉलोनियलिज्म का है, उपनिवेशवाद का है, जो कि यूरोप के देशों पर केंद्रित है, जो उन्होंने पूरी दुनिया में पर्यावरणीय एक्सप्लॉयटेशन किया।
और दूसरी जो फिल्म है वो बात करती है आज के करेंट सिनेरियो की, कैसे एक्वेटिक लाइफ पूरा जो कंज्यूमरिस्ट और ग्लोबलाइज्ड कल्चर है उसकी वजह से बर्बाद हो रही है। तो ये दोनों फिल्मों की कहानी थी दोस्तों। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा कोई दूसरा एनवायरमेंटल एस्पेक्ट हो जो हम नहीं बता पाए, नहीं समझा पाए, तो उसके बारे में भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।